हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन डोबरमैन डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है, अगर आप इस डॉग ब्रीड को कंसीडर कर रहे हो अपने पेट के तौर पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है क्योंकि जो प्राइस रेंज पड़ता है, स्टार्टिंग प्राइस जो होता है 8,000 से लेकर 15,000 और कई बार लेग्स में भी चले जाता है, तो वो जो होता है वो आपके अमेरिकन डोबरमैन होते हैं जो स्टार्टिंग प्राइस में पड़ते हैं मोस्टली। तो ये जो प्राइस रेंज होता है, इसके चलते कई बंदे सोचते हैं कि अमेरिकन डोबरमैन तो इतने सस्ते मिल जाते हैं तो अमेरिकन डोबरमैन को खरीदते हैं। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप अमेरिकन डोबरमैन को खरीदते हो तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकन डोबरमैन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉयल्टी के मामले में। लॉयल्टी के मामले में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कम लॉयल होते हैं। लॉयल्टी के मामले में ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन जहाँ एग्रेशन का बोलते हैं, जब हम एग्रेशन की बात करते हैं बेसिकली, तो ये उसके मामले में थोड़े से कम होते हैं बाकी यूरोपियन के मुकाबले, क्योंकि यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। वो एक प्रॉपर गार्ड डॉग ब्रीड है, वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड है, जबकि अमेरिकन डोबरमैन को ब्रेड एज ए शो डॉग किया गया था। शो डॉग का मतलब जिसे कि हम शो में कम्पीट करवा सकते हैं, डॉग शो में। डॉग शो में मोस्टली डॉग कम्पीट इसके चलते ही होते हैं कि उनका एग्रेशन लेवल लो हो, वो दूसरों के ऊपर अटैक ना करें, ना कि दूसरे एनिमल्स पे। तो आपको इन्हें सोशलाइजेशन में भी काफ़ी कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्लस ये दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके घर में चोर वोर आते हैं तो उसके ऊपर ये अटैक भी करेंगे, ऐसा नहीं है अटैक नहीं करेंगे। आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर कई केसेस में थोड़े से नेचुरल भी होते हैं, ये अपने आप अटैक कर देंगे, लेकिन ये उतना अच्छा डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे जितना कि आपका एक यूरोपियन डोबरमैन डैमेज दे देता है किसी भी चोर को। तो वो चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी ये डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लिखा है पैराडाइज ऑफ पैट के नाम से, जिस पर आप कोई भी अपने पैट को सेल कर सकते हो, और अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो बाय भी कर सकते हो। डायरेक्ट वहाँ पर आपको सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जो उसका डायरेक्ट सेलर है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी के लिए उससे आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स निकलवा सकते हो, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको वो पैट लेना है या नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, अपार्टमेंट लिविंग के लिए डॉग ब्रीड सूटेबल है। इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इसे इजीली घर में भी रख सकते हो और आप इसे अपार्टमेंट में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रखते हो तो आप इसे दो टाइम पर ज़रूर एक्सरसाइज पर लेके जाओ, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लीन और एथलेटिक बॉडी होती है, तो ये रनिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये साथ में छोटे अपार्टमेंट में रह जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अपार्टमेंट में भी रखते हो, तो इस चीज़ को भी ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए डॉग देख रहे थे, तो अमेरिकन डोबरमैन आपके लिए उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन डोबरमैन गार्डिंग करेगा लेकिन वो उस लेवल तक की नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए डॉग देख रहे थे, तो आप जर्मन शेफर्ड या रॉटवाइलर या फिर आप यूरोपियन डोबरमैन की तरफ जा सकते हो। यूरोपियन डोबरमैन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, तो आप उसकी जगह दूसरे डॉग्स की तरफ जा सकते हो, जैसे जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर। सेम प्राइस रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का पपी मिल जाएगा और जो प्रॉपर गार्ड डॉग भी होंगे अच्छे। आप इसे इजीली हॉट क्लाइमेट में रख सकते हो, इनके बाल छोटे होते हैं लेकिन ठंड के टाइम इन्हें कपड़े पहनाने पड़ते हैं, वरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है। साथ में इनमें हेल्थ इशू काफ़ी कम होते हैं, इनमें मतलब हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया कॉमन ही डॉग ब्रीड में होते ही हैं। साथ में इनमें थोड़े से ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, और साथ में स्किन प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं रहती, मतलब कि फंगस की प्रॉब्लम होगी, स्किन फंगल जो होता है, हेयर फॉल की होगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसे ढंग से केयर करोगे तो वो भी नहीं होती, तो इस चीज़ को भी ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके एज्ड मदर फादर हैं तो आप इजीली रख सकते हो। काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा, आपका नॉर्मल वॉच डॉग का काम भी कर लेगा, गार्ड डॉग का काम भी कर लेगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। प्राइस रेंज के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ, और इनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब आप इसे रख सकते हो, लेकिन इनकी एथलेटिक बॉडी होने के चलते आप कोशिश ये करना कि आप इसे एक्सरसाइज पर ज़रूर लेके जाओ, वरना ये छोटे अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आती, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक अमेरिकन डोबरमैन ले रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है, अगर आपका बजट टाइट है, आपको एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग चाहिए जो कि छोटा मोटा गार्डिंग का काम कर ले, और आपको एक अच्छा लुक वाला डॉग चाहिए जो कि आपको एक डोबरमैन में देखने को मिल जाते हैं, मतलब आपको डोबरमैन ही पसंद है तो आप उसकी तरफ जाना चाहते हो, तो आप बेशक जा सकते हो। और अगर आप अच्छी गार्डिंग की ट्रेनिंग दिलवाते हो तो ये अच्छे गार्ड डॉग भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग का एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक सब्सक्राइबर के साथ ही हम 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करेंगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स में बताना कि आपको अमेरिकन डोबरमैन पसंद है या फिर यूरोपियन डोबरमैन, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि आपकी कौन सी डॉग ब्रीड फेवरेट है इन दोनों में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।